आज मैंने अपने फेस पे कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है। यकीन नहीं होता, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यकीन भी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और नेचुरल चीजों को अपने हेयर्स में ऑयलिंग को टाइम से फॉलो कर रहे होंगे। जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ रेमेडीज को शेयर कर रही हूँ, ऑयलिंग शेयर कर रही हूँ, उसी तरह से आप प्रॉपर वे में अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये जो आज का वीडियो बनाने का पर्पज है, ये आप लोगों की क्वेरी पर ही मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी आ रखी थी कि कोकोनट ऑयल से हैवी ऑयलिंग करनी है। आज मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसी से मैं मसाज कर रही हूँ। मोस्टली मैं यही वाला कोकोनट ऑयल हमेशा यूज करती हूँ, तो इसमें से मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और उसको हीट किया है, अच्छे से हीट किया है। हीट करने के बाद मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि सर्दियां आते ही हमारा कोकोनट ऑयल जम जाता है। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है, ये वाला और का तो नहीं पता, लेकिन ये वाला डब्बा अगर सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जमना शुरू हो जाता है, लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो यही ऑयल अपने आप ही बोतल से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे मॉर्निंग में यूज कर रही हूँ। मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, इसलिए हम इवनिंग में या पूरी नाइट के लिए इसे नहीं छोड़ेंगे। नहाने से 3-4 घंटा पहले आप अच्छे से हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं और उसके बाद अपने स्कैल्प को शैम्पू से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये जो जमा हुआ ऑयल है, इसे एक बाउल में करना है और आपको इसे अच्छे से हीट कर लेना है। अच्छे से हीट करने के बाद अपने बालों में हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आपको देख लेना है कि किस तरह से ऑयलिंग करनी है। मेरे बालों में पहले से कोई भी ऑयल नहीं लगा हुआ है, शैम्पू से वॉश हो रखा है मेरा सर। तो अब हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल की अच्छे से मसाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अच्छे से अपने बालों को सुलझा लेना है। मैं यहाँ पे पूरा गुनगुना ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में जो मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि हीट ऑयल मैंने किया है अच्छे से और बालों में भी मैं गुनगुना ऑयल ही अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले अच्छे से आपको अपनी लेंथ में अप्लाई कर लेना है। अगर आपके बाल हद से ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं, सुलझाने में नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लेंथ में ऑयल को अप्लाई करें और लेंथ में अप्लाई करने के बाद अच्छे से अपनी पूरे स्कैल्प पर आपको ऑयल को अप्लाई करना है। अगर आप ऑयल अप्लाई खुद कर सकते हैं तो खुद करें, अदरवाइज़ कोई आपके घर पे हो तो आप उनसे भी अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करा सकते हैं। गुनगुना ऑयल सर्दियों में हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा होता है, हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जो हम गुनगुने ऑयल की मसाज अपने स्कैल्प पे करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारे स्कैल्प का अच्छा रहता है जब हम अपने बालों को अच्छे से चम्पी देते हैं। आपको अपने बालों में मांग बना बना के इस ऑयल को अप्लाई करना है। मांग बना बना के अगर आप ऑयल लगाएंगे तो अच्छे से हमारी स्कैल्प में ऑयल लग पाएगा, और अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही ऑयल लगाते हैं तो वो बालों में ज़्यादा रह जाता है और स्कैल्प पे कम जाता है। तो हमें अपने स्कैल्प पे इसे अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद मसाज करनी है।
कोकोनट ऑयल पे मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाके चेक करिए, आपको उसमें कोकोनट ऑयल एक अलग ही तरीके से मिलेगा जो मैंने यूज़ किया था, जो एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसी तरह से अपने पूरे स्कैल्प पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मैंने कोशिश किया है आपको पूरा दिखाने का कि आप लोगों के साथ पूरा अच्छे से शेयर हो सके, और ओरिजिनल साउंड में ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जब अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पे ऑयल को लगा लेंगे, उसके बाद आपको पहले 5 से 10 मिनट अपने हाथों से मसाज करनी है, उंगली से अच्छे से मसाज करनी है अपने स्कैल्प की, और उसके बाद आपको ब्रश से मसाज करनी है। चाहें तो हाथ से ही मसाज करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ब्रश से भी मसाज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनके स्कैल्प पे डैंड्रफ होता है तो अगर हल्के हाथों से मसाज करेंगे, एक तो हमने ऑयलिंग की है, अच्छे से हमारे स्कैल्प पे एब्जॉर्ब होगा, और जो हल्की फुल्की डैंड्रफ आपकी स्कैल्प पे आ रखी होगी तो वो भी काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगी हमारे इस ब्रश की हेल्प से, और हमारा जो ऑयल है हमारे स्कैल्प पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा अगर हम पूरा प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर आपको हाथ से ही मसाज करानी है तो बस आप वो भी करके छोड़ सकते हैं। अच्छे से बालों में ऑयल लगाने के बाद और बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें, और सुलझाने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर कहीं से आपके हेयर रह भी गए हैं ऑयलिंग किए बिना, तो आप फिर से कॉम करने के बाद अच्छे से अपने बालों में एक एक बार और ऑयलिंग कर सकते हैं, जो स्कैल्प पे देखिए ज़्यादातर वैसे मेरी अच्छे से मसाज भी हो चुकी है और पूरे बालों में बहुत अच्छे से ऑयल भी लग चुका है, आपको दिख रहा होगा। वैसे काफ़ी हद तक मैंने ऑयल लगाया है अपने बालों में, अच्छे से बालों में पूरा ऑयल ऑयल हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं, और क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने बालों में। बालों में ऑयलिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे जिगजैग हेयर बैंड का इस्तेमाल किया है, और जिगजैग हेयर बैंड लगाने के बाद मैं ऐसे ही बन बना लूँगी एक छोटा सा, अपने बालों को अच्छे से फोल्ड करके नीचे को, और क्लेचर लगा के मैं अपने बालों को फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आप ब्रेड बनाना चाहें ब्रेड बना सकते हैं, पोनीटेल करना चाहें पोनीटेल कर सकते हैं, और इस तरह से जूड़ा बनाना चाहें क्लेचर लगा के तो वो भी आप कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप अपने हाथ पैरों पे, आप अपने फेस पे भी कर सकते हैं। हाथ पैरों पे क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगी फेस के मुकाबले, फेस से बहुत हल्का ऑयल आपको लगाना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे बालों में तो हमें रिजल्ट देता ही है, लेकिन हमारी रंगत निखारने में भी मदद करता है। अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कहीं कटा फटा है या फिर जला हुआ निशान है और उस पर रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो करते हैं, कोकोनट ऑयल को लगाते हैं, तो आप देखेंगे जो जलने का निशान होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं आपके फेस की रंगत भी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।